दोस्तों YouTube चैनल पर स्ट्राइक आने के बाद आपका YouTube चैनल मोनेटाइज होगा या फिर नहीं होगा। देखिए, अगर आपके YouTube चैनल पर मोनेटाइजेशन का जो क्राइटेरिया होता है वो कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम का, वहीं अगर आप एक शॉर्ट्स क्रिएटर हैं तो उनके लिए 1000 सब्सक्राइबर और 10 मिलियन व्यूज का क्राइटेरिया होता है, ठीक है। और आप अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज कराना चाहते हैं बट आपकी YouTube चैनल पर स्ट्राइक आ जाती है, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, क्योंकि जब स्ट्राइक आती है तो हमारा YouTube चैनल जो है कुछ दिनों के लिए यहाँ पर बंद कर दिया जाता है, वहाँ पर हम लाइव पोस्ट या फिर वीडियोज वगैरह कुछ अपलोड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट फिर भी अगर आपकी YouTube चैनल पर स्ट्राइक आ जाती है या फिर आपके YouTube चैनल पर पहले से ही कोई स्ट्राइक पड़ी होती है और आपने अपने YouTube चैनल पर जो है मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिया है, अब आप अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर अब काफ़ी सारे लोगों को डाउट ये आता है कि अगर हमारे YouTube चैनल पर मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया कंप्लीट होने के बाद कोई स्ट्राइक आ जाती है या फिर पहले से स्ट्राइक पड़ी होती है उसके बाद हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है, तो अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हम इसको मोनेटाइजेशन के लिए यहाँ पर यूट्यूब के पास भेजते हैं तो क्या हमारे यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होगा या फिर नहीं होगा। आज की इस वीडियो में आपको सारा कुछ डिटेल में क्लियर करने वाला हूँ कि अगर आपकी यूट्यूब चैनल पर मोनेटाइजेशन के समय कोई स्ट्राइक आ जाती है तो आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होगा या फिर नहीं होगा। बट उससे पहले हम लोगों को ये जान ले जाना चाहिए कि यहाँ पर स्ट्राइक कितनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को तीन प्रकार की स्ट्राइक देखने को मिलती है, ठीक है। पहली होती है वार्निंग कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, दूसरी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक और तीसरी होती है यहाँ पर कॉपीराइट स्ट्राइक, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये जो स्ट्राइक है ये हमारे यूट्यूब चैनल पर कब पड़ती है या फिर हम ये कहें कि यूट्यूब हमें स्ट्राइक कब देता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं, क्योंकि अगर इसको डिटेल में समझ लिए तो कभी भी आपके यूट्यूब चैनल पर जो स्ट्राइक नहीं आएगी। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। वैसे मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं गॉट टेक्निकल पॉइंट और चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर से कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए इन स्ट्राइक के बारे में समझ लेते हैं। तो पहली जो स्ट्राइक होती है वो है कम्युनिटी गाइडलाइन वार्निंग स्ट्राइक, ठीक है। ये स्ट्राइक हमको तब मिलती है जब हमारे यूट्यूब चैनल पर कोई भी स्ट्राइक पहले से नहीं पड़ी होती है, ठीक है। तो वार्निंग स्ट्राइक हमको तब मिलती है जब हम लोग यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन को वायोलेट करते हैं, ठीक है। जब आप लोग जाने अनजाने में या फिर जानबूझकर कोई ऐसा कंटेंट बना देते हैं जो कि हार्मफुल एंड डेंजरस कंटेंट पॉलिसी को अगर वायोलेट कर देते हैं या फिर वायोलेंट और ग्राफिक कंटेंट पॉलिसी को वायोलेट करते हैं या फिर आप वायोलेंट क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज के बारे में वगैरह वीडियो बनाते हैं, ठीक है, या फिर आप हेट स्पीच की पॉलिसी को वहाँ पर वायोलेट कर देते हैं या फिर हैरेसमेंट एंड साइबर बुलिंग पॉलिसीज को, अगर यहाँ पर इन पॉलिसीज को आप वायोलेट करके वीडियो बनाते हैं तो आपके यूट्यूब चैनल पर जो पहली बार स्ट्राइक आती है वो होती है वार्निंग कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, ठीक है। ये होगी पहली स्ट्राइक, ठीक है, क्योंकि पहली बार जो है हमको वार्निंग ही मिलती है और ये वार्निंग स्ट्राइक जो है हमारी यूट्यूब चैनल पर हमेशा हमेशा के लिए बनी रहती है अगर एक बार आ गई, ठीक है। बट आप इसको हटा सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर ट्रेनिंग आपको कंप्लीट करना होता है, इसके बाद ये जो वार्निंग स्ट्राइक होती है ये आपके यहाँ पर हट जाती है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी, जिसे हम लोग कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक कहते हैं, ठीक है। तो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक तब आती है जब मैंने आपको अभी यहाँ पर जो पॉलिसीज बताई इनको वायोलेट कर देते हैं, ठीक है। तो पहली बार में आपको वार्निंग स्ट्राइक आती है, ठीक है, बट वही गलती आप अगर दोबारा कर देते हैं तो आपकी यूट्यूब चैनल पर जो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आपको पड़ जाती है, ठीक है। और अगर लगातार आपकी यूट्यूब चैनल पर तीन कम्युनिटी गाइडलाइन वार्निंग स्ट्राइक अगर पड़ गई तो आपका यूट्यूब चैनल जो है सस्पेंड कर दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है यूट्यूब की तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पर जो तीसरी स्ट्राइक होती है वो है आपकी कॉपीराइट स्ट्राइक, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग सीधे समझ सकते हैं कॉपीराइट, ठीक है। अगर आप किसी दूसरे का कॉन्टेंट यूज करते हैं, ठीक है, तो वो जो क्रिएटर है वो आपको यहाँ पर कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता है, या फिर आप किसी ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बता रहे हैं जो कि मोड वर्जन हो, फ्री में कैसे यूज करें, या फिर आप कोई ऐसा टीवी सीरियल वगैरह के बारे में बता रहे हैं कि इसको फ्री में कैसे देखें, अगर इस तरीके से कंटेंट आप बना रहे हैं, ठीक है, तो आपकी YouTube चैनल जो है कॉपीराइट स्ट्राइक आती है। उम्मीद करता हूं आप लोग तीनों स्ट्राइक के बारे में बहुत ही अच्छे से यहां पर समझ गए होंगे। तो चलिए अब मैं आपको ये बताता हूं कि अगर आपके YouTube चैनल पर कौन सी स्ट्राइक पड़ने पर चैनल मोनेटाइज होता है और कौन सी स्ट्राइक पड़ने पर चैनल मोनेटाइज नहीं होता है, ठीक है। देखिए, अगर आपके YouTube चैनल पर वार्निंग कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक पड़ी है तो मैंने यहाँ पर आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर आपके चैनल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर आप अपने YouTube चैनल को
मोनेटाइजेशन के लिए भेजते हैं तो यहाँ पर बहुत ही आसानी से आपके यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाता है। अगर आपके यूट्यूब चैनल पर जो है वार्निंग स्ट्राइक पड़ी है, यहाँ पर आपके चैनल पर कोई प्रभाव पड़ने वाले नहीं है, ठीक है। बट यहीं पर अगर आपकी यूट्यूब चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक पड़ी है तो क्या होगा, ठीक है। अगर आपकी यूट्यूब चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक पड़ी है, ठीक है, तो आप अपना यूट्यूब चैनल यहाँ पर मोनेटाइज नहीं कर सकते हैं। तीसरी है, अगर आपकी यूट्यूब चैनल पर जो है कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ी है, इसके बाद आप अपने यूट्यूब चैनल को जो है मोनेटाइजेशन के लिए यूट्यूब के पास भेजते हैं तो यहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। यहाँ पर भी आपका यूट्यूब चैनल आसानी से मोनेटाइज हो जाता है। मिला जुला कर बात यह है कि अगर आपके यूट्यूब चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक के अलावा, ठीक है, वार्निंग स्ट्राइक हो या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक हो, ठीक है, इनमें चैनल मोनेटाइज हो जाता है। बट यहाँ पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक अगर आपकी यूट्यूब चैनल पर पड़ी है तो यहाँ पर आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। बट अब लास्ट में काफी सारे लोगों के मन में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि भैया हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है पहले स्ट्राइक थी बट अब वो स्ट्राइक हमारे यूट्यूब चैनल से हट चुकी है, तो क्या अब हमारा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। देखिए, अगर आपके YouTube चैनल पर पहले स्ट्राइक थी और अब हट चुकी है तो यहाँ पर आपके मोनेटाइजेशन में कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग आराम से अपने YouTube चैनल मोनेटाइज करवा सकते हैं।